हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी है मैदे का पापड़, जो खाने में बहुत टेस्टी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एक बाउल। यहाँ पे हम एक कप मैदा डालेंगे, तो ये आधा आधा कप करके मैं दो बार डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे तीखापन आएगा पापड़ में, कलरफुल भी लगेगा देखने में। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा कलौंजी ऐड कर देंगे, इसके जगह पे आप अजवाइन और जीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा मिला लेंगे एक बार, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ घोल तैयार हो चुका है। जितना आपका पानी लगे इस तरह का बैटर तैयार करने में, उतना आप डाल दीजिए। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए चम्मच में अच्छे से कोट हो रहा है, और जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो बिल्कुल आपस में चिपक नहीं रहा है। देखिए कुछ इस तरह से आपको बैटर बनाना है। तो चलिए बैटर तैयार है, ढक के भी रख देते हैं 10 मिनट के लिए। एक काम यहाँ करते हैं, दो मैंने प्लेट ले ली है इस तरह का। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कटोरी ले सकते हैं, जिसका तला बिल्कुल चपटा हो उस टाइप का आप ले सकते हैं, या कोई ढक्कन भी आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है और एक कपड़े से पोंछ लिया है। बार बार ऑयल ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। बैटर अब तक 10 मिनट हो चुका है, और बैटर को एक बार मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा बैटर प्लेट में डालेंगे। देखिए करीब एक चम्मच या दो चम्मच डालना है, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए इस तरह से फैला लेना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट से बन जाते हैं कुछ ही समय में। इसको हम स्टीम करेंगे, तो मैंने एक कढ़ाई में दो गिलास पानी डाल दिया है और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो जैसे गर्म हो जाए इस तरह का हम जाली वाला प्लेट रख देंगे। आपके पास कोई स्टीमर है बड़ा वाला तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बैटर से तैयार किया हुआ प्लेट रख दे रही हूँ, इसमें एक ही आएगा। आप अगर कोई ढक्कन वगैरह ले रहे हैं छोटा साइज का, तो दो तीन आ जाएंगे। जितना बड़ा आपका स्टीमर रहेगा उतना ही आप पापड़ बना सकते हैं एक बार में। तो देखिए इसे ढक देंगे और 15 से 20 सेकंड का इंतजार करेंगे, बस फटाफट से बन जाते हैं। देखिए और ढक्कन उठाइए, देखिए देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहा है। तो इसी तरह से हमें बनाते जाना है। बस इसे हम सावधानी से नीचे उतार लेंगे, और दूसरा प्लेट मैंने तैयार किया है उसे हम रख देंगे। जब तक एक ठंडा होगा और इसको हम डीमोल्ड करेंगे, तब तक दूसरा वाला भी स्टीम हो जाएगा। तो देखिए रख देते हैं, चलिए इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पे जो पापड़ हमने स्टीम करके निकाला है वो देखिए डीमोल्ड करेंगे इसको हम। तो इस तरह से थोड़ा सा चाकू से हल्का सा किनारों में स्क्रैच कर लेंगे, ताकि आसानी से डिमोल्ड हो जाए। और अब हम चाकू से थोड़ा सा इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से पकड़ के खींच लेंगे, तो ये बड़ी आसानी से निकल आएंगे देखिए। और अब आप सीधा धूप में फैलाते जाइए इस तरह से। और एक मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए दूसरा वाला भी रेडी हो गया है। इसी तरह से हल्का सा ठंडा करिए पहले, थोड़ा सा किनारों को छुड़ाइए, और देखिए सीधा धूप में मैं डाल रही हूँ। और एक पापड़ मैंने छोटे प्लेट में निकाली है, तो देखिए इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने सारे पापड़ को इस तरह से धूप में डाल दिया है, तो धूप में मैंने सुखाई है। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी रख के एक से दो दिन में या ढाई दिन में सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में अच्छे से सूख जाते हैं। तो मेरा एक से डेढ़ दिन में सूखा है, और देखिए सूख के कुछ इस तरह का हो गया है। जैसे मैं हाथ अपने डाल रही हूँ तो अंगुलियाँ थोड़ी थोड़ी हमें दिख रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, और ये बहुत अच्छे से सूख गया है। ऐसा नहीं कि ये कच्चे है या फिर कम सूखा है, बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। जो हमने कलौंजी और ये चिली फ्लेक्स डाली थी, कितना सुंदर इसमें लुक आ रहा है आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल को मैंने गरम कर लिया है, और देखिए मैं डाल रही हूँ, तेल गरम होना चाहिए तभी आपके पापड़ अच्छे से फूल के बड़े होंगे। तो देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, अब फटाफट से फूल जा रहे हैं और अपने साइज से डबल हो जा रहे हैं, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने जब इसे ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बाकी जो पापड़ बाज़ार में मिलते हैं उससे ज़्यादा हमें अच्छा लगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जैसे मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल ये गोल शेप में आ जा रहा है कटोरी जैसा। देखिए मैंने कई सारे पापड़ फ्राई कर लिए हैं, तो मैं फ्राई किए हुए पापड़ आपको दिखा रही हूँ। देखिए देखिए इसका साउंड कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यकीन मानिए आप घर पर इस तरह से पापड़ बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और धूप में सुखा के स्टोर करेंगे तो आप इसे लंबे समय तक साल भर स्टोर कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं आएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो घर पे रखे सामानों से ढेर सारे पापड़ आप घर पे बना सकते हैं। कड़ी धूप अभी निकल रही है, आप पापड़ बना सकते हैं, फटाफट से बनाइए, स्टोर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।